हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेनिंग, जिसमें हम जानेंगे स्टेनिंग का इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, पर्पज, स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है और स्टेनिंग के प्रोसीजर में जो हमारा डिफरेंशिएशन या ग्लूइंग, डीप रैपिनेशन क्या होता है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आप लोगों को एच एंड ई स्टेनिंग का उद्देश्य और उसके स्टेप्स के बारे में अच्छे से पता चल सके। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। द हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड हिस्टोलॉजिकल स्टेन बिकॉज कंपैरेटिव सिंप्लिसिटी, एबिलिटी टू डिमॉन्स्ट्रेट क्लियरली एंड इनॉर्मस नंबर ऑफ डिफरेंशिएट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। हेमाटॉक्सिलिन स्टेन सेल्स न्यूक्लियर ब्लू ब्लैक सोज गुड इंट्रासेलुलर डिटेल। ईओसिन स्टेन सेल साइटोप्लाज्म एंड मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स इन वेरिंग सेट्स एंड इंटेंसाइट्स ऑफ पिंक, ऑरेंज एंड रेड। हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला हिस्टोलॉजी स्टेन है, क्योंकि विभिन्न ऊतक संरचना को स्पष्ट रूप से प्रेजेंट करता है। ठीक है, हेमाटॉक्सिलिन ऊतक के न्यूक्लियर को ब्लू ब्लैक कलर प्रदान करता है, जो अच्छी तरह से टिश्यू के निकट न्यूक्लियोलस के विवरण को प्रदर्शित करता है या फिर दिखाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट जानेंगे हम प्रिंसिपल। हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन इज अ फंडामेंटल टेक्निक इन हिस्टोलॉजी। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व यूजिंग हेमाटॉक्सिलिन अ बेसिक डाई टू स्टेन एसिडिक स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियाई ब्लू एंड ईओसिन एंड एसिडिक डाई टू स्टेन बेसिक स्ट्रक्चर लाइक साइटोप्लाज्म पिंक। दिस डिफरेंशियल स्टेनिंग अलाउज फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ टिश्यू मॉर्फोलॉजी अंडर अ माइक्रोस्कोप। दैट मींस फ्रेंड्स, जो हमारा हेमाटॉक्सिलिन होता है बेसिक डाई है, ठीक है, सेल्स के एसिडिक कंपोनेंट लाइक न्यूक्लियस को स्टेन करता है, और हमारा ईओसिन जो होता है वो एसिडिक डाई है जो सेल्स के बेसिक कंपोनेंट को स्टेन करता है लाइक साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। एच एंड ई स्टेन का उपयोग हिस्टोलॉजी में एक मौलिक तकनीक है या एक प्रिंसिपल स्टेन है। सिद्धांत में हेमाटॉक्सिलिन एक बेसिक डाई का उपयोग किया जाता है जो कि न्यूक्लियर जैसी एसिडिक संरचनाओं को नीले रंग से स्टेन करता है या टिश्यू में ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है, और ईओसिन एक एसिडिक डाई है जिसका उपयोग साइटोप्लाज्म जैसी बेसिक संरचनाओं को पिंक या रेड कलर में रंगित करता है। यह डिफरेंशियल स्टेन टिश्यू की मॉर्फोलॉजी को माइक्रोस्कोप के तहत देखने की संभावना को संभावित बनाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जानेंगे पर्पज ऑफ एच एंड ई स्टेनिंग। एच एंड ई स्टेन को परफॉर्म करने का हमारा उद्देश्य क्या है। द एच एंड ई स्टेन शॉर्ट फॉर हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन इज हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग टेक्निक यूज इन पैथोलॉजी टू विजुअलाइज टिश्यू स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी अंडर अ माइक्रोस्कोप। हेमाटॉक्सिलिन स्टेन न्यूक्लियर ब्लू पर्पल, वाइल ईओसिन स्टेन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रासेलुलर स्ट्रक्चर पिंक। द स्टेनिंग हेल्प्स पैथोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई एबनॉर्मिलिटीज, डायग्नोस डिजीज एंड अंडरस्टैंड टिश्यू आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, तो एच एंड ई स्टेन हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन का शॉर्ट फॉर्म है फ्रेंड्स, दैट मींस उसका संक्षिप्त नाम है। एच एंड ई स्टेन का उपयोग पैथोलॉजी में ऊतक संरचना और मॉर्फोलॉजी को माइक्रोस्कोप के तहत देखने के लिए किया जाता है। हेमाटॉक्सिलिन न्यूक्लियाई को ब्लू या पर्पल रंग में कलर करता है या रंगित करता है, जबकि ईओसिन साइटोप्लाज्म और एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर को रेड रंग में रंगित करता है। एच एंड ई स्टेनिंग का उपयोग रोग निदान में मदद करता है, रोगों की जांच करता है और ऊतक संरचनाओं को समझने में पैथोलॉजिस्ट की सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का है एच एंड ई स्टेनिंग प्रोसीजर। हेमाटॉक्सिलिन एंड ईओसिन स्टेन का मेथड या स्टेनिंग का प्रोसीजर जानेंगे फ्रेंड्स, जिसमें पहला स्टेप होगा हमारा डीप रैपिनेशन। डीप रैपिनेशन क्या होता है उसके लिए हम इसी वीडियो में डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे, अभी हम खाली स्टेनिंग का प्रोसीजर जान लेते हैं। डीप रैपिनेशन सेक्शन टू चेंजेस ऑफ जाइलिन 3 to 5 मिनट ईच।
डिपेरफिनाइज करने के लिए हम दो फ्रेश जैलिन लेते हैं और प्रत्येक जैलिन में 3 से 5 मिनट के लिए टिश्यू स्लाइड को रखते हैं, देन उसको रिहाइड्रेट करते हैं फ्रेंड्स एल्कोहल में या एब्सोल्यूट एल्कोहल में 2 changes, दैट मीन 100% एल्कोहल में 3-3 मिनट के लिए रखेंगे, उसके बाद 95% एल्कोहल फॉर 3 मिनट एंड 70% एल्कोहल फॉर 3 मिनट्स में स्लाइड को रखेंगे, उसके बाद हम रनिंग टैप वाटर से 3 से 4 मिनट तक वॉश करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप फ्रेंड्स, स्टेन इन हाइरिस हेमाटोक्सिलिन सोल्यूशन फॉर 8 मिनट, उसके बाद टिश्यू स्लाइड को हम हेमाटोक्सिलिन में 8 मिनट के लिए रखेंगे, देन हम वॉश इन रनिंग टैप वाटर फॉर 5 मिनट, उसके बाद हम फिर से 5 मिनट उसको रनिंग टैप वाटर से वॉश करेंगे। स्टेन को रनिंग टैप वाटर से वॉश करने के बाद फ्रेंड्स हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1% एसिटिल कोल से 10 सेकंड के लिए, ओके उसके बाद वॉश रनिंग टैप वाटर फॉर 2 मिनट्स, देन ब्लूइंग इन 0.5% अमोनिया वाटर और सैचुरेटेड लिथियम कार्बोनेट सॉल्यूशन फॉर 20 to 30 seconds, उसके बाद फ्रेंड्स फिर से हम उसको रनिंग टैप वाटर से 5 मिनट तक वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम काउंटर स्टेन इओसिन का यूज करेंगे, इओसिन फ्लॉक्सिन बी सॉल्यूशन या फिर एसिडिक इओसिन सॉल्यूशन 30 सेकंड्स के लिए, देन फ्रेंड्स डिहाइड्रेट करेंगे 80% एल्कोहल में 3 मिनट के लिए और 2 changes ऑफ एब्सोल्यूट एल्कोहल में 3-3 मिनट के लिए, क्लियर इन 2 changes ऑफ जैलिन 3 मिनट ईच, उसके बाद फ्रेश जैलिन में 3 मिनट के लिए रखेंगे और इसी स्टेप को हम दो बार करेंगे फ्रेंड्स। एयर ड्राई एंड माउंट विद डीपीएक्स एंड कनाडा वॉल्यूम, स्लाइड को स्टैंड करने के बाद ड्राई करेंगे और डीपीएक्स या कनाडा वॉल्यूम के हेल्प से कवर स्लिपिंग या माउंटिंग करेंगे, रिजल्ट जानेंगे फ्रेंड्स। न्यूक्लियाई हमारा हेमाटोक्सिलिन एंड इओसिन के स्टेनिंग के बाद जो हमारा न्यूक्लियाई होगा ब्लू कलर का होगा और साइटोप्लाज्म जो होगा हमारा पिंक टू रेड होगा। अभी हम जानेंगे फ्रेंड्स डीपेरफिनेशन क्या होता है। डीपेरफिनेशन डिफरेंशिएशन इन अ क्रूशियल स्टेप इन हिस्टोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्कफ्लो टू रिमूव पैराफिन वैक्स फ्रॉम टिश्यू सैंपल्स, हियर आर द जनरल स्टेप्स। जैलिन वॉश, सबमर्ज द टिश्यू सेक्शन आर सैंपल इन जैलिन, अ क्लियरिंग एजेंट दैट डिजॉल्व पैराफिन वैक्स। डीपेरफिनेशन को अविभाज्य रूप से हिस्टोपैथोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्कफ्लो में एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है ताकि टिश्यू के ऊपर से पैराफिन को निकाला जा सके। डीपेरफिनेशन के जनरल स्टेप्स निम्न है फ्रेंड्स, जिसमें फर्स्ट है जैलिन। जैलिन का उपयोग हम टिश्यू सेक्शन से पैराफिन को रिमूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। दैट मीन्स फ्रेंड रिमूविंग ऑफ पैराफिन वैक्स फ्रॉम द टिश्यू सेक्शन इज कॉल्ड डीपेरफिनाइजेशन, ओके। जिसका पहला स्टेप होता है हमारा क्लियरिंग, उसके बाद हम सेकेंड पढ़ेंगे रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन ग्रेजुअली ट्रांसिशन द सैंपल थ्रू अ सीरीज ऑफ एल्कोहल वॉश सच एज डिक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ एथेनॉल और आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू रिहाइड्रेट द टिश्यू। रिहाइड्रेशन टिश्यू को फिर से हाइड्रेट करने के लिए सैंपल को आइसोप्रोपाइल एल्कोहल में या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल के घटते क्रम में स्थानांतरित करते हैं, जिसके लिए हम एल्कोहल का जो कंसेंट्रेशन लेते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले 95% में 3 मिनट के लिए, 80% में 3 मिनट के लिए और 70% में 3 मिनट के लिए रखते हैं, ओके। डीप पैराफिनेशन का थर्ड स्टेप हम लोगों का फ्रेंड्स फाइनल रिंस। वॉश द सैंपल्स इन डिस्टिल वाटर और बफर टू रिमूव एनी रिमेनिंग एल्कोहल। रनिंग टैप वाटर में हम टिश्यू सेक्शन को डिहाइड्रेट करने के बाद वॉश करते हैं, जिससे कि टिश्यू सेक्शन के अंदर जो भी हमारा एल्कोहल का कंसेंट्रेशन है वो धुल जाए या रिमूव हो जाए। फोर्थ स्टेप है प्रोसीड विद प्रोटोकॉल आफ्टर डीपेरफिनेशन, द सैंपल आर रेडी टू डाउन स्ट्रीम एप्लीकेशन लाइक स्टेनिंग, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री या न्यूक्लिक एसिड एक्सट्रैक्शन, ओके। डीपेरफिनाइज कंप्लीट होने के बाद टिश्यू सेक्शन को किसी भी हिस्टोलॉजी स्टेनिंग के लिए रेडी मानते हैं या इस स्टेप्स के बाद ही हम किसी भी स्टेन को परफॉर्म करते हैं। स्टेनिंग में डीपेरफिनेशन डिफरेंशिएशन और ब्लूइंग का उद्देश्य जानेंगे हम लोग कि इन स्टेप्स को हम क्यों फॉलो करते हैं और इनका मतलब क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ
डीपेरेफिनेशन इन एच एंड ई स्टेनिंग. डीपेरेफिनेशन इज अ क्रूशियल स्टेप इन एच एंड ई स्टेनिंग एज इट रिमूव्स द पेरेफिन वैक्स यूज्ड टू एम्बेड टिश्यू सैंपल्स अलोंग द सब्सिक्वेंट स्टेनिंग रिएजेंट टू पेनेट्रेट द टिश्यू प्रॉपरली. दिस इंश्योर ऑप्टिमल विजुअलाइजेशन ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड एक्यूरेट स्टेनिंग रिजल्ट. ओके फ्रेंड्स, डीपेरेफिनाइजेशन एच एंड ई स्टेनिंग में क्रूशियल स्टेप्स होता है जिसमें हम टिश्यू सेक्शन से पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू सेक्शन से हम पैराफिन सेक्शन को या पैराफिन को जाइलिन के हेल्प से बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेंड्स. ओके, जिससे कि डीपेराफिनाइज होने के बाद हमारा कोई भी स्टेन टिश्यू सेक्शन में अच्छे से पेनेट्रेट हो सके. जब तक टिश्यू सेक्शन में पैराफिन वैक्स होगा तब तक कोई भी स्टेन उसके अंदर पेनेट्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा पैराफिन जो होता है ऑयली मटेरियल होता है, ऑयल के अंदर कोई भी कलर इंटर नहीं करता, उसमें वेरिएशन पैदा करता है पैराफिनाइज पैराफिन. इसीलिए हम लोग पैराफिन को टिश्यू सेक्शन से रिमूव करने के लिए या बाहर निकालने के लिए इस स्टेप को फॉलो करते हैं फ्रेंड्स. नेक्स्ट स्टेप हमारा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डिफरेंशिएशन इन एच एंड ई स्टेनिंग. द पर्पज ऑफ डिफरेंशिएशन इन एच एंड ई स्टेनिंग टू सेलेक्टिवली रिमूव एक्सेस हीमेटोक्सिलिन स्टेन्स फ्रॉम द टिश्यू सेक्शंस पर्टिकुलरली फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक रीजन. दिस स्टेप हेल्प्स टू अचीव अ क्लियर कंट्रास्ट बिटवीन द न्यूक्लियाई व्हिच रिमेन्स स्टेनिंग ब्लू पर्पल एंड द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म व्हिच बिकम्स लेस इंटेंसिटी स्टेन या इंटेंसिवली स्टेन इंप्रूविंग द ओवरऑल विजिबिलिटी एंड क्लियरिटी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर व्हेन व्यूड अंडर अ माइक्रोस्कोप. ओके फ्रेंड्स, जो हमारा डिफरेंशिएशन का पर्पज होता है उसको जानेंगे. एच एंड ई स्टेनिंग में डिफरेंशिएशन का उद्देश्य टिश्यू स्टेन में विशेष रूप से साइटोप्लाज्मिक रीजन से अतिरिक्त हीमेटोक्सिलिन स्टेन को चुनिंदा रूप से हटाना है. यह कदम न्यूक्लियाई जिसको हमारा हीमेटोक्सिलिन ब्लू या पर्पल कलर में कलर करता है या स्टेन करता है और आसपास के साइटोप्लाज्म को कम तीव्रता से स्टेन करता है, उस कम तीव्रता के स्टेन के बीच एक स्पष्ट विपरीतता प्राप्त करने में मदद करता है हमारा डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन के लिए फ्रेंड्स हम 1% एसिड अल्कोहल का यूज करते हैं. ओके, अब हम नेक्स्ट जानेंगे फ्रेंड्स, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ब्लोइंग इन एच एंड ई स्टेनिंग. एच एंड ई स्टेनिंग में ब्लोइंग का क्या महत्व है. ब्लोइंग इन एच एंड ई स्टेनिंग इज अ स्टेप्स दैट फॉलो द स्टेनिंग विथ हीमेटोक्सिलिन. आफ्टर स्टेनिंग विथ हीमेटोक्सिलिन द एक्सेस स्टेन इज वॉश्ड ऑफ and the tissue is often immersed in a weakly alkaline solution, typically a dilute solution of ammonia water or a commercial blowing reagent. Okay friends, H and E staining में blowing ऐसा कदम है जो hematoxylin के साथ staining के बाद आता है. That means hematoxylin staining के बाद differentiation के बाद हम लोग blowing steps का use करते हैं friends. Hematoxylin से रंगने के बाद एक्स्ट्रा स्टेन धुल जाता है इसमें, जिसमें टिश्यू को अक्सर अमोनिया वाटर जिसका कंसेंट्रेशन 0.5% होता है में ब्लोइंग के लिए उपयोग किया जाता है. ठीक है, अभी हम ब्लोइंग हेल्प्स टू दो कंडीशन जानेंगे फ्रेंड्स जिसमें हमारा ब्लोइंग हेल्प करता है. पहला है न्यूट्रलाइज एनएएचडी residues remaining in the tissue which can cause background staining or interfere with the differentiation process. Okay, blowing निम्न में उपयोग करता है. टिश्यू के बचे किसी भी एसिडिक अवशेष को बेअसर करता है जो पृष्ठभूमि डिफरेंशिएशन पैदा कर सकता है या भेदभाव जैसी प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है. सेकेंड है हमारा इनहेंस द कंट्रास्ट बिटवीन द स्टेन nuclei which appears blue purple and the cytoplasm which will be stained pink with eosin. Stain nuclei जो नीले बैंगनी कलर में दिखाई देता है एंड cytoplasm जो eosin के साथ पिंक कलर में दिखाई देता है के बीच विपरीतता को बढ़ाता है. Okay friends,
नोट्स, ब्लोइंग इज क्रूशियल स्टेप्स इन द एच एंड ई स्टेनिंग प्रोसेस टू अचीव ऑप्टिमल स्टेनिंग क्वालिटी एंड क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप। अंडर माइक्रोस्कोप टिश्यू संरचना के इष्टतम स्टेन की गुणवत्ता और अस्पष्टता या स्पष्ट दृष्टि प्राप्त करने के लिए एच एंड ई स्टेनिंग में ब्लोइंग एक महत्वपूर्ण कदम है फ्रेंड्स, इसको हम परफॉर्म करते हैं। अब हिस्टोलॉजिकल स्टेप्स में हमारा 10th स्टेप्स आएगा फ्रेंड्स, कवर स्लिपिंग, जिसमें हम कवर स्लिपिंग का मकसद जानेंगे, कवर स्लिपिंग क्यों करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कवर स्लिपिंग इज प्लेस्ड ओवर द स्टैंड सेक्शन यूजिंग माउंटिंग मीडियम टू प्रिजर्व द सैंपल एंड फैसिलिटेट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सैंपल को सुरक्षित रखने और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए माउंटिंग का उपयोग करते हैं या कवर स्लिपिंग का उपयोग करते हैं, जिसमें हम कवर स्लिप विद द हेल्प ऑफ डीपीएक्स की मदद से स्टैंड वाले जगह पर रखते हैं। 11th स्टेप से फ्रेंड्स हम लोगों का माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। स्टैंड टिश्यू सेक्शन आर एग्जामाइंड अंडर अ माइक्रोस्कोप बाय अ हिस्टोलॉजिस्ट या हिस्टोपैथोलॉजिस्ट टू एक्सेस सेलुलर मॉर्फोलॉजी आर्किटेक्चर एंड एनी एबनॉर्मलिटी इंडिकेटिव ऑफ डिजीज। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन स्टेन टिश्यू स्ट्रक्चर की जांच पैथोलॉजिस्ट द्वारा माइक्रोस्कोप के द्वारा की जाती है, ताकि सेल्स का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी और डिजीज या किसी भी टिश्यू एबनॉर्मलिटी का पता लगाया जा सके। ठीक है, 12th स्टेप है फ्रेंड्स हम लोग ऑफ डायग्नोसिस। बेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग अ डायग्नोसिस इज मेड विच बाय में इंक्लूड आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक डिजीज, ग्रेडिंग ट्यूमर्स और असेसिंग द एक्सटेंट ऑफ टिश्यू डैमेज। ओके, डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपिक स्टडी के आधार पर एक निदान किया जाता है, जिसमें विभिन्न रोगों की पहचान करना, ट्यूमर को क्लासिफाइड करना या टिश्यू क्षति की सीमा का आकलन करना शामिल होता है। ठीक है, 13th स्टेप हमारा रिपोर्टिंग। द हिस्टोपैथोलॉजिस्ट जनरेट अ डिटेल्ड रिपोर्ट समराइजेशन देयर फाइंडिंग विच इज सेंट टू रिफरिंग क्लिनिशियन टू गाइड पेशेंट मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट डिसीजन। रिपोर्टिंग हिस्टोपैथोलॉजी अपने निष्कर्षों का सारांश देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसमें पेशेंट के उपचार निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए सर्जन या ट्रीटिंग डॉक्टर को भेजा जाता है डायग्नोसिस के लिए पेशेंट के। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे जनरली हिस्टोलॉजी के स्टेप्स थे, जिसको हमने 3 पार्ट में कवर किया फ्रेंड्स, और 3rd पार्ट में हमने स्टेनिंग का मतलब जाना, उसका प्रिंसिपल उद्देश्य, स्टेनिंग का प्रोसीजर, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स जैसे हमारा डीपोरेफिनेशन, रिहाइड्रेशन, ब्लोइंग, डिफ्रेंशिएशन, उसका भी क्या पर्पज होता है उसके बारे में हमने डिस्क्राइब किया। ठीक है, और आज के वीडियो में हमने एच एंड डी स्टेनिंग के बाद कवर स्लिपिंग, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस और रिपोर्टिंग के बारे में भी जाना, तो इनका उद्देश्य क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।